आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं अहम खबरनामा की जानिब। मुंबई से है खबर। गोरेगांव के स्कूल में घुसा चीता और वॉशरूम में जा फंसा। जराये से मिली इतला के मुताबिक ये चीते की उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। देर रात गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। चीता स्कूल में दाखिल होते हुए वॉशरूम तक गया और गार्ड होशियारी करते हुए वॉशरूम में ही चीता को लॉक कर दिए और फौरन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला किए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुकाम पर पहुंचकर चीता को रेस्क्यू किए। ऑटो बेकाबू होते हुए इलेक्ट्रिकल वायरिंग से टकरा गया, जिसके सबब ऑटो जलकर राख हो गया और 8 अफराद झुलस गए और 1 अफराद की हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक ताडमारी मंडल के इलाके एक ऑटो इलेक्ट्रिकल वायर से टकराते हुए जल गया। इस हादसे में 8 अफराद आग में झुलस गए। उन्हें फौरन इलाज के लिए हॉस्पिटल रवाना किया गया। बताया जा रहा है इस हादसे में एक शख्स की हुई मौत, जो गड़मपली के रहने वाले थे। एनएसयूआई लीडर वेंकट बालमोर को गिरफ्तार किया गया। वेंकट बालमोर सिद्दीपेट जा रहे थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के बच्चियों से उनका हालचाल पूछने। वाज रहे हाल ही में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में कई स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग के सबब बीमार हुए। इसी के ताल्लुक से उनसे बात करने वेंकट बालमोर रवाना हुए थे सिद्दीपेट, जिन्हें बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 18,819 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 39 कोरोना वायरस मुतासरीन अफराद की हुई मौत पिछले 24 घंटों में। अगस्तिया जायसवाल नामी स्टूडेंट जो हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले हैं, अगस्तिया इंडिया के पहले ऐसे स्टूडेंट बनते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट मुकम्मल किए बाईपीसी और सीईसी स्ट्रीम से। श्री चंद्रा कॉलेज से अगस्तिया बाईपीसी पास करते हुए 81% हासिल किए। इसके अलावा 14 साल की उम्र में अगस्तिया ने बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिग्री हासिल किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर जुलाई 2 तारीख को साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस एम स्टीफन रविन्द्र ने ऐलान किए सेक्शन 144 आयत किया जाएगा साइबराबाद हदूद में जुलाई की 1 तारीख से जुलाई की 4 तारीख तक। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्ट्री की हैसियत से दिए इस्तीफा। उसके अलावा उन्होंने कहा मेंबर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर भी वो इस्तीफा दे दिए। महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ जाने वाले शिवसेना एमएलए एकनाथ शिंदे जल्दी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी लीडर देवेंद्र ने ऐलान किए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीजेपी लीडर के खिलाफ 18 चालानात जारी किए। करीब 1 लाख रुपए के चालान जारी किए गए बिना इजाजत गैर कानूनी बीजेपी एडवर्टाइजिंग बैनर्स लगाने। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी पर चालान किया गया जीएचएमसी की जानिब से। तेलंगाना बोर्ड 10 2022 के रिजल्ट ऐलान किए गए। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना एसएससी एग्जाम के नतज ऐलान किए। एसएससी स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कर्नाटका में टेंशन की लहर देखने मिली। उत्तराखंडा जिले में भतकाल के इलाके उर्दू साइन बोर्ड लगाने पर हुआ हंगामा। सिविक एजेंसी बिल्डिंग के लोग हंगामा किए और मांग की उर्दू साइन बोर्ड को हटाने के लिए। महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट अप्रूवल दे दिए हैं औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने और उस्मानाबाद का नाम बदलकर दाराशिव रखने। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।